नमस्कार दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन बारिश ने डाला खलल। मैच होगा देरी से शुरू, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी और कब होगा मुकाबला शुरू बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली पारी में 229 रन बनाए और साउथ अफ्रीका टीम के पास 27 रनों की बढ़त थी। और भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 266 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 240 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम को मैच जीत के लिए 122 रनों की आवश्यकता है और वहीं भारत को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए। तो आज मैच का चौथा दिन खेला जाना है, लेकिन जोहानिसबर्ग में सुबह से तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से आज चौथा दिन शुरू होने में देरी होने वाली है। मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 पर खेला जाता है, लेकिन बारिश होने के कारण अब मुकाबले को 2:30 या 3 बजे के बाद शुरू किया जाएगा क्योंकि मैदान में काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। वहीं मैदान बहुत गीला हो चुका है, तो ऐसे में मुकाबला शुरू होने में 1 या 1.5 घंटे की देरी हो सकती है। अगर बारिश दोबारा से आती है तो लंच ब्रेक तक का खेल पूरी तरह से धुल सकता है। हालाँकि जोहानिसबर्ग में आज और कल दोनों दिन बारिश के पूरे आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों दिन बारिश आती है तो यह मुकाबला पूरी तरह से ड्रॉ भी हो सकता है। लेकिन इस मुकाबले में फिलहाल साउथ अफ्रीका टीम का पलड़ा भारी है क्योंकि साउथ अफ्रीका को फिलहाल जीत के लिए 122 रन चाहिए और 8 विकेट हाथ में है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।